हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 8 से 11 सितंबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। तिरुवनंतपुरम में दक्षिण भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का उद्घाटन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमित शाह। तिरुवनंतपुरम में दक्षिण भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमित शाह ने। अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो एक तो है गृह मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी है। नेक्स्ट आते हैं पीएम श्री योजना, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है शिक्षा एजुकेशन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी है निर्यात एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान और विकास। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा से। पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एजुकेशन से। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग इंडिया योजना के लिए प्रधानमंत्री स्कूल की घोषणा की। इस योजना के तहत, जो पीएम श्री योजना है, देश भर के 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो अन्य ग्रहों पर सुरक्षित रूप से खर्च किए गए रॉकेट चरणों और भूमि पेलोड की लागत प्रभावी वसूली में सहायता कर सकती है? विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर टेक्नोलॉजी डैट कैन ऐड इन द कॉस्ट इफेक्टिव रिकवरी ऑफ स्पेंट रॉकेट स्टेज एंड लैंड पेलोड्स सेफली ऑन अदर प्लेनेट्स? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नासा ने, ऑप्शन बी है ESA, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है जाक्सा। सही आंसर क्या होगा? सिंपली आपको यहाँ से याद रखना है कि जो इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर तकनीक है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इसरो ने। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसरो के अभी हेड कौन है। नेक्स्ट आते हैं, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 9 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 सितंबर, ऑप्शन सी है 8 सितंबर, ऑप्शन डी है 7 सितंबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 7 सितंबर को द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 7 सितंबर को। अच्छा, 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। और 2022 की इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। 2022 की इसकी थीम है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है? द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाते हैं? 7 सितंबर को। 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और 2022 की इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। और जो द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई है, इसकी इस बार की थीम क्या है? इस साल की थीम है द एयर वी शेयर। द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कि इस बार इस साल की थीम क्या है? द एयर वी शेयर। नेक्स्ट आते हैं,
कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन सा राज्य शुरू करने जा रहा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहर के निवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने जा रही है। कौन से राज्य की सरकार? राजस्थान की सरकार। नेक्स्ट आते हैं, पीएम मोदी और किस देश के पीएम ने संयुक्त रूप से मैत्री पावर प्रोजेक्ट की यूनिट वन का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। पीएम मोदी और बांग्लादेश के पीएम ने संयुक्त रूप से मैत्री पावर प्रोजेक्ट की यूनिट वन का अनावरण किया। अच्छा, बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है? आवामी लीग। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो मैत्री पावर प्रोजेक्ट है इसको डेवलप कौन कर रहा है, कौन सी भारतीय कंपनी है? तो कौन है? भेल है, BHEL। नेक्स्ट आते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है शीतल निवास, ऑप्शन बी है श्याम निवास, ऑप्शन सी है राम निवास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शीतल निवास। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शीतल निवास। अच्छा, न्यूज में क्यों बना हुआ था? हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में एक विशेष समारोह में भारतीय सेना प्रमुख जनरल पांडे को उनकी हिमालयी राष्ट्र की चल रही यात्रा के दौरान नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो आपका शीतल निवास न्यूज में था, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, हिमालय डे कब मनाते हैं? हिमालयन डे कब मनाते हैं? 9 सितंबर को। और इसके अलावा वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाते हैं? 9 सितंबर को। नेक्स्ट आते हैं, मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया, उस घोड़े का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है चेतक, ऑप्शन बी है तेजस, ऑप्शन सी है शमशेरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेजस। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया, उस घोड़े का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेजस। नेक्स्ट आते हैं, किसने भारत में स्टार्टअप को US आधारित निवेशकों से जोड़ने के लिए सैन फ्रांसिस्को में सेतु पहल की शुरुआत की? सेतु का फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किलिंग। आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है सुरेश प्रभु, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पीयूष गोयल। किसने भारत में स्टार्टअप को US आधारित निवेशकों से जोड़ने के लिए सैन फ्रांसिस्को में सेतु पहल की शुरुआत की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पीयूष गोयल ने। और सेतु का फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किलिंग। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश के साथ रेलवे सहयोग को गहरा करने के लिए प्रशिक्षण कर्मचारियों और IT सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नेपाल के साथ, ऑप्शन बी है सूडान के साथ, ऑप्शन सी है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन डी है पाकिस्तान के साथ। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। भारत ने किस देश के साथ ट्रेनिंग एम्प्लॉय एंड आईटी कोलेबोरेशन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट आते हैं, गूगल ने किस प्रसिद्ध हस्ती को उनकी 96 जयंती पर अपने वेब पेज पर डूडल बनाकर सम्मानित किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है डॉक्टर भूपेन हजारिका, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है श्यामला प्रसाद। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भूपेन हजारिका। गूगल ने किस प्रसिद्ध हस्ती को उनकी 96 जयंती पर अपने वेब पेज पर डूडल बनाकर सम्मानित किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भूपेन हजारिका। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर पेपर को टफ करना हो तो आपसे पूछ सकता है कि इस डूडल को क्रिएट किसने किया है? तो उनका नाम क्या है? ऋतुजा माली ने। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एलपीजी गैस की कीमतों में निरंतर वृद्धि को नियंत्रित करने और कम करने के लिए एक समिति का गठन किया है? आपके पास ऑप्शन है किरीट पारिक, ऑप्शन बी है एस श्रीधर, ऑप्शन सी है रघुराम राजन, ऑप्शन डी है उर्जित पटेल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, किरीट पारिक। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एलपीजी गैस की कीमतों में निरंतर वृद्धि को नियंत्रित करने और कम करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, किरीट पारिक। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गोवा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? आपके पास ऑप्शन है 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी है 520 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी है 320 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी है 620 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 620 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 620 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने किस देश के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव का साइबर सुरक्षा अभ्यास भाग आयोजित किया? आपके पास ऑप्शन है यूएसए के साथ, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूके। भारत ने यूके के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव का साइबर सुरक्षा अभ्यास भाग आयोजित किया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निक्षय 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस बीमारी से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है टीबी, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है कोविड-19, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टीबी के लिए। निक्षय 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस बीमारी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टीबी। अच्छा, इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट आते हैं, यूजी कार्यक्रमों को अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए महिला छात्रों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पुधुमई पेन योजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तेलंगाना।
सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। यूजी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए महिला छात्रों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पुधुमई पेन योजना शुरू की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु ने। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, जो पुधुमई पेन योजना है इट प्रोवाइड्स ए मंथली ग्रांट ऑफ ₹1000 टू फीमेल स्टूडेंट्स टू परस्यू ए बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, ITI या एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, किसे दिया जाएगा? तो इस योजना में क्या है, पुधुमई पेन योजना में ₹1000 मंथली दिए जाएंगे फीमेल स्टूडेंट को जो परस्यू करेगा बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, ITI या एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स। और इसके पात्र कौन होंगे, जो वित्तीय पात्र होंगे कौन होंगे, दोज हु अटेंड गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम क्लास 6 to 12 विल बी एलिजिबल फॉर द फाइनेंशियल एड। पात्र कौन है, जिन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है क्लास 6 to 12 तक। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री गति शक्ति के लिए रेलवे भूमि को दीर्घकालीन पट्टे पर देने की नीति के अनुसार भूमि पट्टा किस अवधि तक प्रदान किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 45 साल तक, ऑप्शन डी है 35 साल तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 35 ईयर। प्रधानमंत्री गति शक्ति के लिए रेलवे भूमि को दीर्घकालीन पट्टे पर देने की नीति के अनुसार भूमि पट्टा किस अवधि तक प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 35 ईयर के लिए। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार ने किस संस्था के साथ व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपया खातों की सुविधा के लिए एक कार्य योजना तैयार की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है RBI, ऑप्शन बी है SEBI, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है IMF। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, RBI। भारत सरकार ने RBI के साथ व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपया खातों की सुविधा के लिए एक कार्य योजना तैयार की है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं, UNDP के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी है 142, ऑप्शन सी है 132, ऑप्शन डी है 122। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 132। UNDP के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो आंसर क्या होगा, 132। नेक्स्ट आते हैं, भारत का कौन सा खिलाड़ी हाल ही में डायमंड लीग चैंपियन बना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है PV सिंधु, ऑप्शन बी रवि दहिया, ऑप्शन सी है हिमा दास, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट आते हैं, 2022 के लिए फॉर्च्यून इंडिया की भारत के सबसे अमीर की सूची में किस व्यवसायी को पहले स्थान पर रखा गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी है गौतम अदानी, ऑप्शन सी है रोशनी नादर, ऑप्शन डी है साइरस पूनावाला। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गौतम अदानी। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक एक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेघालय। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, WHO ने 2030 तक पूरे अफ्रीका में किस बीमारी के लिए एक टीका शामिल करने के लिए $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए COVID-19, ऑप्शन बी है बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, ऑप्शन सी है पोलियो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। WHO ने 2030 तक पूरे अफ्रीका में किस बीमारी के लिए एक टीका शामिल करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए या करंट अफेयर का क्विज लगाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।